हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डोंट टच माय फोन प्रोटेक्टर एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, एक तरह का एंटी थीप एप्लीकेशन है, यानी कहने का मतलब कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से इस ऐप को अगर आप ऑन कर लेते हैं अपने ऐप में, तो आपके अलावा कोई और फ़ोन टच करता है तो अलार्म बजेगा और अलर्ट आपको देख मिलेगा, ठीक है ना, जिससे आपको मालूम चल जाएगी आपका फ़ोन कोई ने टच किया या फिर कोई किसी ने लिया है। अभी तक इसको 500,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 3.9 की रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। और ये जो हिसाब से बता रहा है क्या सच में एंटी थीप एप्लीकेशन है, हमारा फ़ोन चोरी होगा तो हमको मालूम चल जाएगा, ये सब आई जानते हैं। ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है और आपके सामने यहाँ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद इस ऐप के नेक्स्ट पेज पर हम लोग जाएंगे, तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। तो अभी ये ऐड आया था, ऐड को कट कर दिया हमने। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और सही वाले निशान पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी इस परमिशन को अलाउ करेंगे और यहाँ परमिशन को अलाउ करने के बाद हम नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग बैक होंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि आपका जो वैल्यूम है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे वैल्यूम शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ डॉग का आवाज़ आएगा, कैट का आवाज़ आएगा, यहाँ पर डग का आवाज़ आएगा, यहाँ पर रोस्टर का आवाज़ आएगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, तो अभी के लिए मैं डॉग का ही रखता हूँ, ठीक है। डॉग का जो आवाज़ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर टैप टू एक्टिव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टैप टू एक्टिव पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बस स्टेप कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर और कुछ सीन नहीं दिया, यानी अगर ट्रिपल लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको देखते हैं, यानी सॉरी सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पर और क्या चीज़ें देता है। यहाँ पर देता है आपको फ्लैश ऑन रहेगा, वाइब्रेशन मोड ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइटिंग अप डाउन होगा, यहाँ पर ये सब दिया है, ठीक है। लेकिन कब तक, अगर मैं फ़ोन टैप ऑन नहीं करता हूँ तो ये काम करेगा नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ से देखिए हट भी नहीं रहा है, ठीक है ना। जब तक इसको ऑफ नहीं करते तब तक ये हट नहीं रहा है। अगर मैं फ़ोन को मूव भी करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको करता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। चलो मैं फिर से एक और ट्राई करता हूँ। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा है जिस हिसाब से। जब तक आप टैप टू एक्टिव पे क्लिक नहीं करते तब तक ये काम नहीं करेगा, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं हमारे फ़ोन को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो सच में काम करता है, यानी आप उन सभी एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे फ़ोन इसे ऑन करके फ़ोन कहीं रख देते हैं टेबल पर, उसके अलावा आपका फ़ोन कोई भी मूव करता है, यानी हिलाता डुलाता है, तो आपको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, यानी ईयरफोन और ऑटोमेटिक वाइब्रेट और फ्लैश लाइट और आवाज़ ये सब आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, ये इस एप्लीकेशन मुझे वैसा नहीं देखने को मिला। जब तक हम टैप टू एक्टिव पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये काम नहीं करता, और टैप टू एक्टिव पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन होने लगता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यानी ये चीज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं अब इसको ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ कर देता हूँ तो भाई जब हम टैप टू एक्टिव पे क्लिक करके ही इसको ऑन करना है तो इससे फ़ायदा क्या है, कौन हमको बताएगा कि हम तुम्हारा फ़ोन चोरी कर रहे हैं टैप टू एक्टिव पे क्लिक करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जिस हिसाब से इसका नाम दिया है, ठीक है।